औरंगजेब की जो छवि इन लोगों ने बनाई, उसी छवि के हिसाब से मोदी नया औरंगजेब की तरह से पूरे मुल्क पे काम कर रहा है। हमारा माहौल इतना खराब, इतना दमघोटू हो गया है कि संवेदनशील व्यक्ति को कोई रास्ता नहीं सूझ रहा, उसे समझ में नहीं आ रहा कि मेरा समाज, मेरा घर, मेरा मोहल्ला, मेरा देश किस दिशा में जा रहा है। ये इनडायरेक्ट ढंग से इस तरह का दबाव डाल रहे हैं कि लोग मजबूरन धर्म परिवर्तन करें, लौ जिहाद के नाम पर प्रेम करने वालों का ये गला घोट रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं फिर इस हफ्ते आपके सामने हबीब अख्तर, हिंद वॉइस की प्लेटफॉर्म पर। कहने को तो बहुत कुछ है, लेकिन मैं एक तरफ आप लोगों का ध्यान चाहूँगा कि सोसाइटी में, हमारे समाज में इस वक्त इस कदर बेचैनी और घुटन है कि लोगों को समझ नहीं आ रहा है कि वो करें तो क्या करें, मौजूदा हालात से पार कैसे पाएं। हालत ये है, लोग कह रहे हैं कोरोना से मौत हो रही है, लेकिन सच ये है अपर एज वालों में ज़्यादातर मौतें हाइपरटेंशन, दिल का दौरा और पुरानी बीमारियों के फैल जाने से मौतें हो रही हैं। बड़ा अजीब सा मंजर है कि हम देखते हैं कि 55 के बाद वाले लोग, 60 के बाद वाले लोग, जिनको अभी 40, 50, 30 साल कम से कम जीना बाकी रहता है, वो छटपट करके मौत के करीब जा रहे हैं और उनकी मौतें हो रही हैं। ये बहुत गंभीर पहलू है इस समाज के लिए, भारतीय समाज के लिए, हिंदुस्तान के लिए, क्योंकि हमारा माहौल इतना खराब, इतना दमघोटू हो गया है कि संवेदनशील व्यक्ति को कोई रास्ता नहीं सूझ रहा, उसे समझ में नहीं आ रहा कि मेरा समाज, मेरा घर, मेरा मोहल्ला, मेरा देश किस दिशा में जा रहा है। वो अभिव्यक्त करना चाहता है, लेकिन अभिव्यक्ति के द्वार अपने अंदाज से मौजूदा सरकार और इसके सहयोगी संगठनों ने घुटन भरा बना दिया है, दम घोटू बना दिया है। वो ऐसे कि एक खास तरह का ही अलाप सब तरफ चल रहा है, लोगों को बांटने का, लोगों के प्रति ईर्ष्या पैदा करने का, लोगों के दिमाग में जहर भरने का। इससे पार नहीं पा रहा है संवेदनशील व्यक्ति, उसे नहीं निकलने का कोई रास्ता नहीं मिल रहा है, बेचारा दम तोड़ रहा है। इस ओर समाज को सोचना, देखना पड़ेगा। मैं आपको एक बात बताऊं कि जब कोई रास्ता नहीं होता, या तो व्यक्ति आत्महत्या कर लेता है या घुट घुट के मर जाता है। वो हालात हैं, आत्महत्याएं भी हो रही हैं और घुट घुट के लोग मर रहे हैं। इससे निजात पाने का समाज को तरीका निकालना पड़ेगा, एक दूसरे के साथ मिलना पड़ेगा, एक दूसरे को समझना पड़ेगा और सब मिलकर ये जो अंधेरा छाया जा रहा है, इससे बाहर निकलना पड़ेगा। मैं बताऊं आपको कितना बुरा हाल है हमारे समाज का।
नर्सें स्ट्राइक कर रही हैं, उस दौर में जब कोरोना महामारी अपने शिखर पर है, डॉक्टर हड़ताल कर रहे हैं, सफाई कर्मचारी हड़ताल करने पे आमादा हैं, यूं ही नहीं, उनको जो कुछ दिया जाना चाहिए ये सरकार, ये व्यवस्था वो नहीं दे रही है। पूरी दिल्ली के अंदर कई लाख नगर निगम के कर्मचारी हैं जिनको तीन तीन चार चार माह से वेतन नहीं मिला है। वो नर्सें जो हड़ताल पे गई थी, कोर्ट ने उनकी हड़ताल वापस लेने को कहा, उनकी असली मांग जानते हैं आप? छठा वेतन आयोग जो इस सरकार ने गठित किया, वो कह रहे हैं उसे लागू कर दो। कौन सी गलत मांग रही है? वो कह रहे हैं कि हमारे उपचार में, हमारे इलाज में, क्योंकि हम स्वास्थ्य कर्मी हैं, हमारे इलाज में भी प्राथमिकता मिले अस्पतालों में, नर्सिंग होम में। आप एक नर्स का या नर्सों का इलाज प्राथमिकता वरीयता में नहीं करवा सकते? आप जो पूरी दिल्ली के अंदर सफाई करता है, आपकी सेवा करता है, आपके हर तरह के नागरिक सुविधाओं से जुड़े हुए काम करता है, टट्टी पेशाब साफ करता है, आपकी नालियों को साफ करता है, आपके पानी की व्यवस्था करता है, आप उसको इस तरह से नजरअंदाज कर रहे हैं? तो माहौल संवेदनशील लोगों के लिए कैसा होगा, आप सोचिए। हम कहते हैं सरकार से इसका निदान करें, सरकार निदान करने के बदले एक दूसरे पे आरोप प्रत्यारोप लगा रही है। कहीं सुना है आपने, दिल्ली नगर निगम जो सफाई कर्मचारी अपने टोटल कर्मचारियों को चार माह से वेतन नहीं दिया है, उसके मेयर सब तरह के काम कर रहे हैं, सारे अधिकारी सब तरह की सुविधाएं भोग रहे हैं, और राजनीतिक लड़ाई दिखाने के लिए ये मुख्यमंत्री के आवास पे धरने पर बैठे हुए हैं। 10 दिन हो गए इन्हें धरने में बैठे हुए। क्यों भाई? अगर दिल्ली सरकार गलत है, मैंने पहले भी कहा और अब भी कह रहा हूं, दिल्ली सरकार अगर नगर निगम का हक मार रही है, तो दिल्ली के उपराज्यपाल क्या कर रहे हैं? बैजल साहब क्या कर रहे हैं? दिल्ली संघ शासित राज्य है, केंद्र का सीधा हस्तक्षेप है। राष्ट्रपति, गृह मंत्री फौरन इसके ऊपर कदम क्यों नहीं उठाते? क्यों नहीं उठाते? अगर दिल्ली सरकार गलत है, दिल्ली सरकार गलत है तो उससे कहें कि वो नगर निगम का जो पैसा नहीं दिया है वो फौरन दे। अगर नहीं दे रही है तो इस सरकार को आप बर्खास्त क्यों नहीं करते? बर्खास्त कीजिए। अगर नगर निगम गलत है तो उपराज्यपाल बैजल को चाहिए कि नगर निगम को भंग कर दे, अधिकारी चलाए, वो चलाए नगर निगम को, ताकि कई लाख कर्मचारी जो बेबसी में जी रहे हैं, स्कूल की फीस नहीं है, मकान का किराया नहीं है, आने जाने के पैसे नहीं है, चूल्हा बुझ गया है उनका, उनको वेतन दिलवाएं। ये है घुटन भरा माहौल, ये है दम घोटू माहौल जो मौजूदा सरकारों ने बनाया है। और ये सरकारें, मोदी की सरकार है ये सरकार, नगर निगम में भाजपा की सरकार है, कहा जाए ये मोदी और शाह की सरकार है, और उनके पीछे चलने वाले, उनकी नकल करने वाले, उनसे प्रतियोगिता करने वाले केजरीवाल की सरकार है। केजरीवाल की सरकार को अपनी जिम्मेदारियों को निभाना चाहिए। तुम दिल्ली का माहौल खराब कर रहे हो, जनजीवन खराब कर रहे हो,
इंसान का मानसिक संतुलन खराब कर रहे हो, संवेदनशील व्यक्ति इन सब सारी चीज़ों को बारे में सोचता है, इसका रास्ता निकलवाना चाहता है, लेकिन उसकी आवाज़ नक्कार खाने में तूती की आवाज़ जैसी हो गई है। इसे बदले नहीं तो इसी तरह से होगा। और एक बात और बताऊं मैं आप लोगों को, कितना बड़ा षड्यंत्र चल रहा है। आरएसएस ने अपने हिसाब से मुगल शहंशाह औरंगजेब को बदनाम या उनका नाम रोशन किया, आरोप लगाए, तरह तरह के कट्टर कहा, मंदिरों वगैरह वगैरह पर ज़बरदस्ती कब्जा करने वाला, तोड़ने वाला वगैरह कहा, लेकिन उसी आरएसएस का मोदी जी प्राइम मिनिस्टर हैं, और उसी औरंगजेब की जो छवि औरंगजेब की नौ बराबर बनाई, औरंगजेब की जो छवि इन लोगों ने बनाई, उसी छवि के हिसाब से मोदी नया औरंगजेब की तरह से पूरे मुल्क पे काम कर रहा है। उसके आगे पीछे के लोग काम कर रहे हैं, आरएसएस के लोग काम कर रहे हैं। ये कहते हैं औरंगजेब ने धर्म परिवर्तन कराया, ये इनडायरेक्ट ढंग से इस तरह का दबाव डाल रहे हैं कि लोग मजबूरन धर्म परिवर्तन करें। लौ जिहाद के नाम पर प्रेम करने वालों का ये गला घोट रहे हैं, ये किसी तरह की लिबर्टी नहीं देना चाहते हैं, ये असम में उपद्रव फैला रहे हैं, ये सच में संस्कृत और अरबी यानी हिंदू धर्म के और मुस्लिम धर्म के जो मूल ग्रंथ हैं, पूजनीय आदर योग्य किताबें हैं, ज्ञान के जो भंडार हैं, ये दो भाषा में हैं। अरबी में मुसलमानों की कुरान शरीफ है, और संस्कृत में हमारे हिंदू धर्म के तमाम धर्म ग्रंथ हैं। ये गुरुकुल को भी बंद कर रहे हैं असम में, और मदरसों को भी बंद कर रहे हैं असम में, यानी ये दोनों भाषाओं के, दोनों शिक्षा पद्धति के ये दुश्मन हैं। ये दुश्मनी लोगों को ठीक नहीं लगती है, बुरी लगती है, अंदर से कचोटती है, ये माहौल खराब कर रही है, एक दूसरे में वैमनस्य पैदा कर रही है। आप इन सब चीज़ को रोकें, सहज स्वाभाविक तरीके से जो समाज चल रहा है, जिस तरह से शिक्षा जिस्ता करना चाहता है उसे करने दें। भारत पर, हिंदुस्तान पर आपका बड़ा एहसान होगा। थैंक यू। जय हिंद, जय हिंद।